बंद कमरे में आशिकी फिर बीएफ का कत्ल। ऐसा था जीएफ का खूनी लव गेम। एमपी के भोपाल में प्रेमी की चाकू घूमकर हत्या करने वाली लड़की को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। लड़की प्रेमी के दूसरी लड़की से संबंधों को लेकर नाराज थी। आरोपी ने वारदात को उस समय अंजाम दिया था जब प्रेमी सो रहा था। क्या है मामला? हत्या को अंजाम देने के बाद युवती ने खुदकुशी करने के लिए कुएं में छलांग लगाई थी, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया था। मंगलवार को न्यायाधीश अरविंद कुमार गोयल ने यह फैसला सुनाया। खून से सना चाकू लेकर खड़ी थी मूलतः बैतूल निवासी विभाष कनेरिया साकेत नगर में रहकर कंस्ट्रक्शन का काम करता था। 5 जून 2016 को रविवार सुबह 6:36 बजे चचेरी बुआ की लड़की योगेश्वरी उर्फ मोंटी बराह ने सो रहे विभाष के सीने में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के समय विभाष की बहन आभा भी घर में ही थी। विभाष की चीख सुनकर वह उसके कमरे की तरफ भागी तो देखा योगेश्वरी खून से सना चाकू लेकर खड़ी थी। योगेश्वरी जब वहां से भागी तो आभा ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। गंभीर रूप से घायल विभाष को हमीदिया अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। इस बीच खुदकुशी करने के लिए योगेश्वरी ने पिपलानी के गांधी मार्केट स्थित कुएं में छलांग लगा दी थी। योगेश्वरी ने बीए से क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमए किया था। रिश्ते की बहन से थे संबंध। विभाष का योगेश्वरी से 8 साल से प्रेम संबंध था। दोनों 2007 से 2011 तक साथ रहते थे। विभाष के परिजनों की आपत्ति के बाद वे अलग रहने लगी, लेकिन उसने मिलना जुलना बंद नहीं किया। घटना के 3-4 महीने पहले योगेश्वरी को पता चला कि विभाष के संबंध किसी और लड़की से भी हैं। साथ रखती थी चाकू। छेड़छाड़ का शिकार हुई योगेश्वरी आत्मरक्षा के लिए चाकू साथ रखती थी। उसने पुलिस को बताया कि चाकू से पहले वे कांच का टुकड़ा रखती थी। उसके साथ 2-3 बार छेड़छाड़ हो चुकी थी। उसकी शिकायत पर एमपी नगर थाने में एक युवक के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था।